beautiful people, welcome to another vlog. It's my second video, okay? So it's like welcome and welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, I'm Taiba. So in this video, I'm gonna show you the beginner's makeup kit, and each product is nearly under ₹300. तो मैं अब इस वीडियो में हिंदी में कंटिन्यू करने वाली हूँ. लास्ट वीडियो मेरी इंग्लिश में थी और मुझे रिस्पॉन्स ये आया कि आप वीडियो जो हैं वो हिंदी में पोस्ट करें बजाय इंग्लिश के. तो मैंने सोचा कि ये बिगनर्स मेकअप किट पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ फिलहाल मेकअप में भी. तो क्योंकि मुझे हर प्रोडक्ट एक अच्छा क्वालिटी का चाहिए था और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए था. जिन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक अप टिल द एंड, क्योंकि आप इससे आप हर प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं साथ साथ आपको मेकअप करके भी दिखा दूँगी, इससे पता चल जाएगा कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैसा लगेगा मेकअप करने के बाद वो प्रोडक्ट. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द वेरी बेसिक प्रोडक्ट. मैं एक बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है हमारा एक मॉइस्चराइजर. गाइस, मॉइस्चराइजर अलग होता है, कोल्ड क्रीम अलग होता है. मैं बहुत टाइम से जो कोल्ड क्रीम यूज़ कर रही थी अपने मेकअप बेस के नीचे, क्योंकि मुझे वो सूट करता था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है. लेकिन मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऑनलाइन एक बहुत अच्छा यू नो मॉइस्चराइजर ऑर्डर किया, एंड इट वॉज फैबुलस. लेट मी शो यू व्हाट इज इट. ये देखिए आप, ये है पॉन्स का मॉइस्चराइजर. इट इज़ बेसिकली सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन सिल्की ग्लोइंग स्किन, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई. यू कैन सी इट. आई विल लिंक ईच प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. नेक्स्ट थिंग, लाइक लेट मी जस्ट शो यू व्हाई पुटिंग इट. ओके, सो इट्स लुक लाइक दिस. इग्नोर माई थंब, मेरे थंब पे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है. ओके, इग्नोर करो, इग्नोर. नेक्स्ट थिंग मैं जो बताने जा रही हूँ वो है एक फाउंडेशन. आप मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट थिंग मैं जो बताने जा रही हूँ वो है एक फाउंडेशन. आप मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर्सनली. और बिगनर्स को भी इतना ज़्यादा नहीं कि प्राइमर भी लो ये भी लो, काम चल जाता है मॉइस्चराइजर से. मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन. इट्स परफेक्टनिंग लिक्विड फाउंडेशन, जस्ट कॉस्ट ₹100 से ₹126. इट इज़ रियली नाइस. अपने कलर के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से चूज़ करें और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसकी MRP जो थी वो लिखी थी इसके पैक पे, और इसको जब भी यूज़ करने से पहले शेक करें अच्छे से. और आपके गो टू मेकअप लुक आपको चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. CC क्रीम यूज़ करें. मेरा शेड है 01 बेज एंड इट जस्ट कॉस्ट मी ₹100. तो मैं गो टू मेकअप लुक करने वाली हूँ. वो ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे पसंद नहीं है, तो मैं लेने वाली हूँ CC क्रीम. जब भी आप कोई भी क्रीम यूज़ करें उसको डॉट डॉट में लगाएं, उस पार्ट पे भी लगाएं, लाइक आपके अंडर आइज पे, ओवर द आइज पे भी लगाएं. उसके बाद मैं इसको जो है वो अप्लाई करूँगी. उससे क्यूट क्यूट क्या है पता है हम लोगों को, मेकअप स्पॉन्ज है, जिस कॉस्ट ₹30. तो देखिए इतनी अच्छी चीज़ है जो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है. तो मैंने कर लिया है. उसके बाद जो थर्ड चीज़ लगने वाली है हमारी, वो है कंसीलर. गाइस, कंसीलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, इसलिए क्योंकि जिसके लोग के पिंपल्स होते हैं या कोई टाइप के मार्क्स होते हैं फेस पे, अंडर आइज के डार्क सर्कल्स, उनके लिए बहुत अच्छा है. तो मैं बहुत अच्छा अफोर्डेबल बेस्ट प्रोडक्ट शो करने वाली हूँ. ये बेसिकली क्रीम बेस्ड कंसीलर है मेरा स्विस ब्यूटी की तरफ से. आई लव द पैलेट. मुझे रिसेंटली ही ये आया था, तो दिस इज इट. इसकी कॉस्ट थी 200 something 260 और 70 अप्रॉक्स थी इसकी कॉस्ट. तो ये आप देख सकते हैं एकदम क्रीम बेस है, और आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से इसमें आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक जैसे आपके कहीं पे पिंपल्स हैं, मार्क्स हैं, तो आप ये वाला कलर यूज़ करें, क्योंकि बहुत अच्छा लेता है. इसके अलावा भी लाइक यू नो दिस इज़ अ ब्राउन शेड, मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ थोड़ा सा अपने अंडर आइज पे. मैं बेसिकली हैंड यूज़ कर रही हूँ मोस्टली. अगर आप गो टू करें तो हैंड यूज़ करें, लेकिन मेरे पास है अफोर्डेबल ब्रशेस का सेट. गाइस, मेरे पास ये कल ही आया था. लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज़ अफोर्डेबल ब्रश सेट. आप देख सकते हैं, आपको पूरा सारा जो
ब्रशेज होते हैं कम 10-12 भी, वो खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सेट खरीदे, ये मुझे ₹269 का आया था, आप देख सकते हैं। इसमें वही ब्रशेज है जो हमें बेसिकली हमें नीड होते हैं हमारे मेकअप के लिए, यू कैन सी। तो मैं इन ब्रशेज का यूज़ करूँगी आज अपने मेकअप में। और मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप ब्रशेज खरीदें तो यही खरीदें जो कि स्विस ब्यूटी ब्रांड की तरफ से हैं, कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये ना समझे कि मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कोई कोलैबोरेशन वगैरह है, तो ये एकदम मेरे खुद के पैसों से बाय है। तो मैं कंसीलर अप्लाई करने जा रही हूँ विद हेल्प ऑफ दीज अमेजिंग ब्रशेज। मैं ये वाला ब्रश लूँगी कंसीलर अप्लाई करने के लिए, वन सी दिस वन, स्विस ब्यूटी का ही है ये। क्रीम बेस्ड कंसीलर तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्रीमी क्रीमी लुक देता है। पहले आप इसको नॉर्मली लगा लेंगे, बाद में ब्लेंड कर लिए। आप कंसीलर जहाँ लगाते हैं आप यहाँ लगाएं और यहाँ लगाएं, क्योंकि यही मेन चीज़ आपने बोला। और अब मैं तो नेक्स्ट थिंग अभी यूज़ करूँगी क्या, गेस व्हाट। मैं अब आई मेकअप की तरफ बढ़ती हूँ। तो आई मेकअप में सबसे पहले चाहिए काजल। बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, ये ब्रांडेड सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, अफोर्डेबल हैं, हर बंदा जो हर बंदी बेसिकली तो वो यूज़ कर सकती हैं। ये लैक्मे आइकॉनिक काजल है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना हो चुका है, मैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं नया नहीं खरीदा है, मैं खरीदूंगी फिर। मैं मिंत्रा से खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लेट मी जस्ट यूज़ माई, इग्नोर माई लव। तो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, मैंने काजल भी यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काजल, स्मच प्रूफ है, 12 घंटे लाइक 12 घंटे मेरे पास यूज़ कर देता है, इसलिए मैं हाथ बार ना लगाएं तो बेटर रहेगा। अब मैं नेक्स्ट थिंग शो करने वाली हूँ वो है हाइपर पर्ल इजी वॉश मेड इन न्यूयॉर्क मिस्कैरा। ये मुझे पड़ा था अराउंड 250 का अप्रॉक्स, या 219 का था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस। मैंने शॉप से लिया था अपने लोकल मार्केट की, बहुत अच्छा है। जब मैं फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था तो मेरी आई लैशेज इतनी ज़्यादा वॉल्यूम दी थी उन्होंने, मैं बता नहीं सकती। ओके गाइस, मैंने किसी अपर लैशेस पे लगाया, सी माई लैशेस सो इलॉन्गेटेड। लोअर लैश पे आपसे लगा सकते, मैं इसलिए नहीं लगा रही लोअर लैश पे, द रीजन इज दैट। ओके सो गाइस, नेक्स्ट थिंग है मेरे पास ये आई शेडो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सेल लगी थी मिंत्रा पे, तब मैंने ली थी, इट्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। और ये इसका लुक कौन सा, आई डोंट रिमेंबर, ये न्यू अवेकनिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे बहुत अच्छे शेड्स हैं। मेरे पास ये ब्रोकन आ गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं इसके लिए ब्रशेज यूज़ करने वाली स्विस ब्यूटी के, तो आपको दिखा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ब्रशेज यूज नहीं होने से, वही ब्रशेज होने स्विस ब्यूटी के बैक में है। तो मैं कुछ अच्छा सा सोशल लुक क्रिएट करूँ, जिससे आपको पता चले कि अच्छे लुक क्रिएट हो जाते हैं। जरा सी छोटी सी टैलेंट से पहले मैं ट्रांजिशन लुक करने वाली हूँ। ट्रांजिशन मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, इसमें ट्रांजिशन लिखा हुआ है, पता चल जाएगा कि आपको कौन सा यूज़ करना है ट्रांजिशन। उसके बाद मैं हूँ बीच वाले, इसमें मैं दूसरा कलर शेड यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ दिस वन, मैंने ले लिया है। और इसके बाद मैं जो इनर आईलेट होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मैं स्पार्कलिंग लुक क्रिएट करने वाली हूँ, स्पार्कलिंग आई शेड यूज़ करूँगी, सॉरी दिस वन। ये हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ वाला पार्ट डार्क हो जाता है, इसके लिए भी इसमें बहुत अच्छा आई शेडो है जो कि ये है, बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट लुक देता है। मैं दूसरे साइड ब्रश के दूसरे साइड से अप्लाई करूँगी क्योंकि उल्टे साइड पे तो हमने शिमर वाला यूज़ किया है, इसलिए सॉरी। ये मैंने यूज़ कर लिया है, दैट्स इट। इसके बाद मैं आई मेकअप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आईलाइनर। मेरे पास ये कलर एसेंस का आईलाइनर है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और अभी तक ही खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सूख गया है। लेट इट बी, ये 6 ml का है, मैंने शॉप से ही लिया था, ये तो ऑनलाइन ही लिया था, तो मैं आपको इसका लिंक ना दे पाऊँ। देन आई एम गोना अप्लाई इट, I'm done with this, wow, it's fabulous, I hope you can see it. So my next use karne wali hoon wo hai hamara final touch dene wala look, wo hai highlighter. So guys, what is it? Yes, Swiss Beauty ka highlighter, bahut pyare shades hai guys, ye brick highlighter hai, bahut zyada cost effective hai, ye mujhe around 200 ya 250 ka pada tha. So main ise kaise use karu, brush mein pass highlighter mein pass, so main isko thoda sa apne haath se pinch karungi jisse aram se isko aise se dab kar sakun.
से, तो आप बहुत सारे शेड दे सकते हैं। फिलहाल मेरे रुख पे अभी पिंक और वाइट, ऊपर वाइट दो शेड से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ले लेती हूँ मैं अपने ब्रश पे और मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, और ऐसे नोज की जो सीरियस मैंने अप्लाई करते हैं बहुत अच्छी छोटी साइन आ गई अलहमदिल्ला, सो प्रीटी। उसके अलावा आप इस पॉइंट पर हाइलाइट करें, इस पॉइंट पर हाइलाइट करें, इस पॉइंट पर हाइलाइट करें, और इस पे और इसके यहाँ बोन्स होती हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई करें। मेरे पास हिजाब फेस नहीं बांधे, मुझे पूरा लुक क्लियर करना था, तो इसलिए देखिए तब प्यारा हाइलाइटिंग आई है, चेहरे पे चमक के आ गई, तो अफोर्डेबल बहुत अच्छा लगेगा। इस फेस ब्यूटी का आप स्टोर से रिव्यू दे सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रखे हैं, तो सी दिस इज सो नाइस, आई लव इट। नेक्स्ट थिंग जो मैं शो करने वाली हूँ वो है ये, इट इज़ फेस ब्यूटी की नॉन ट्रांसलेबल वाटरप्रूफ लिपस्टिक। इसका शेड जो है वो ब्राउन शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये मैट में है, लेकिन ये थोड़ा क्रीमी नहीं लगती मुझे, तो मैं इसके नीचे बेस नहीं यूज़ करती हूँ। आप भी कुछ भी मॉइस्चराइज यूज़ कर लें। मैं लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए ये ब्रश है मेरे पास, तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Make sure you buy the products. Make sure to like, comment and subscribe to my channel. अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो आई एम रियली हैप्पी। बाय।